आइए अब एक्सेल के और जो यूजेस होते हैं वे कैसे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में कैसे इम्प्रूव कर सकता है, यह दिखाता हूँ। देखिए, ये एक लिस्ट है। एक स्कूल में 10 स्टूडेंट हैं और उनको इतने नंबर मिले। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हम यहाँ क्लिक करें ऑटो सम पर, तो यह हमें चांस देता है टोटल लगाने का। तो हमें B2, ये कॉलम B है, ये रो 2 है, तो B2 से लेकर B11 तक जो कि हम करना चाहते हैं, तो हम एंटर या रिटर्न क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे, तो यह हो गया हमारा। इन सब स्टूडेंट्स को टोटल कितने नंबर मिले। अब हम नेक्स्ट यह पता करना चाहते हैं कि इन 10 स्टूडेंट्स का एवरेज क्या था मार्क्स का। तो हम क्लिक करेंगे एवरेज, और हमें यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है कि जो नंबर है B2 से B12 तक है, B12 में ये B है, ये 12 है, तो टोटल है, तो टोटल को तो हम नहीं जोड़ना चाहते, तो हम इसको चेंज कर देंगे B11, क्योंकि B11 तक लास्ट स्टूडेंट है। तो हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं, 1 और 2 के बीच में हमने जो है कर्सर को क्लिक किया, फिर डिलीट दबाया तो 2 चला गया, फिर 1 दबाया तो B11 हो गया। अब हमें पता है कि हमारा जो टोटल होगा यहाँ से यहाँ तक का ही होगा। इसको चेंज करने का एक और तरीका मैंने आपको बताया था कि आप 11 को यहाँ चेंज कर सकते हैं। एक और तरीका चेंज करने का है कि आप इसको अगर ऐसे करें तो देखिए ऊपर B10 हो गया, पर हम B11 तक रखना चाहते हैं, तो हम इसको B11 तक रखेंगे। आप अगर अपने माउस को यहाँ रखें और कर्सर को यहाँ रखें और लेफ्ट साइड का माउस दबाकर ऊपर नीचे करें, तो आप आसानी से यह डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से आपको इसमें जो है सेल्स इंक्लूड करने। तो B2 to B11 सही है, तो हम इसको रिटर्न क्लिक करेंगे। तो इनका जो स्टूडेंट्स का एवरेज था वह 7 था। एवरेज सबको नंबर, अगर उनके नंबरों का एवरेज निकाला जाए तो वह 7 था। यहाँ हम क्लिक कर यह देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर कितने मिले। अभी ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। अभी आप सपोज करो 2000 लाइन होती है और नंबर 100 में से होते, या 550 में से होते, या सब टोटल जो है सब्जेक्ट का टोटल है उसका में से होते, तो 700 800 में से होते। तो अगर हम क्लिक करें मैक्स अगेन, हम इसको कम कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ 11 नंबर तक चाहिए, और हम इसको अब क्लिक करें तो हमको यह पता पड़ गया कि मैक्सिमम नंबर जो है किसी को मिले वो 7 थे। इसी तरह से हम मिनिमम नंबर देख सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ क्लिक करके मिनिमम को क्लिक करेंगे, और B2 से B11 के बीच में हमारा डेटा है, तो हम इसको यहाँ से करेक्ट करेंगे और फिर रिटर्न दबाएंगे, तो यह पता पड़ गया कि मिनिमम नंबर जो किसी को मिले वे 3 थे। अभी सारे डेटा को अगर हम सेंटर में करना चाहें, ये डेटा सेंटर में है, ये राइट अलाइंड है, तो हम यहाँ जाकर जो B लिखा है इस हिस्से में क्लिक करें माउस को, तो यह पूरा कॉलम हाईलाइट हो गया। फिर हम यहाँ क्लिक करें तो एक बार ये डेटा इधर मूव कर गया, पर दोबारा क्लिक करें तो यह सब डेटा सेंटर में आ गया। तो यह तो हुई डिफरेंट फॉर्मूलाज को यूज करने की बात। इसके अलावा भी हम एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। उनको यूज करने के 2 तरीके हैं। आए या तो हम यहाँ जाएं और क्लिक करें मोर फंक्शंस पर, तो यह हमारे सामने एक पॉपअप बॉक्स खुलेगा। इसमें आप देखें कितने सारे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फाइनेंस के, मैथ के, ट्रिग्नोमेट्री के, स्टैटिस्टिक्स के, लॉजिकल इंफॉर्मेशन वगैरह के। तो बहुत, जैसे जो फाइनेंशियल फॉर्मूला है उनमें कि अगर से 100 डॉलर पे, 100 रुपीज़ पे, 100 रुपये पे इतनी इंटरेस्ट रेट ही, तो 5 साल बाद उसका टोटल कितना होगा,
सिंपल इंटरेस्ट होगा तो कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो कितना होगा, तो ये बड़ी यूजफुल जो है फंक्शन होता है। इसी तरह से मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के करें तो हमें कॉस और टेंजेंट और बाकी सब फॉर्मूले जो हैं वे हम इसमें से लॉग वगैरह इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, एक सेकंड में जवाब आ जाता है। अभी हम स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज यूज़ करेंगे, तो इसमें जैसे एवरेज आया या मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज़ करें तो भी एक ही बात है। तो जैसे हम काउंट करना चाहें कि कितने जो हैं स्टूडेंट थे या कितने कुल स्टूडेंट हैं, तो हम यह फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हम ब्लैंक अगर कोई खाली रह गया सेल तो उसको काउंट कर सकते हैं कि गलती से जैसे कुछ खाली रह गया। तो बहुत सारे फार्मूला हैं। एक फार्मूला होता है उसको बोलते हैं मोड। मोड का मतलब होता है कि कोई सबसे कॉमन नंबर क्या है, तो मोड पता करने के लिए मैंने इस जगह पे मोड टाइप किया और गो क्लिक किया तो ये आया कि यह मोड का फॉर्मूला यहाँ है, तो मैं इसको ओके क्लिक करूँगा। तो अब इसने कहा कि बी 13 से 15 के बीच में मोड ढूंढेगा, हम मोड ढूंढना चाहते हैं बी 2 से बी 11 के बीच में। तो हम माउस को यहाँ क्लिक करेंगे और उसको रख कर उल्टी तरफ का माउस दबा कर यहाँ तक ड्रैग करेंगे, या किसी भी और तरीके से आप इस नंबर को चेंज करके बी 2 से बी 11 तक कर दें और फिर आप उसको ओके क्लिक करें, तो आपको मोड मिलेगा कि सबसे कॉमन जो नंबर मिले, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो एक जो नंबर मिला वह 8 था। हम यहाँ देख सकते हैं 3 स्टूडेंट्स को 8 नंबर मिला, 2 को 9 मिले, तो यह मोड कहलाता है। एवरेज को दूसरे शब्दों में मीन भी कहते हैं। तो हमने देखा एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, मोड, और एक और नंबर है जो कि अच्छा रहता है, उसको बोलते हैं मीडियन। हम उसको या तो यहाँ से जाकर कैलकुलेट कर सकते हैं मोर फंक्शन से, या देखिए यहाँ ये एक एफ एक्स लिखा है ना, इंसर्ट फंक्शन, तो आप यहाँ जाएं, आपसे वह सवाल पूछेगा कि आप क्या देखना चाहते हैं। आपने वह फार्मूला थोड़ी ही देर पहले या कुछ ही दिनों पहले यूज़ किया है तो वह आपको दिखेगा, जैसे यहाँ लिखा है मीडियन। अगर यहाँ नहीं लिखा होता तो हम यहाँ टाइप करते मीडियन और मीडियन आ जाता, क्योंकि यहाँ लिखा है तो हम क्लिक करेंगे मीडियन और ओके। मीडियन का अर्थ यह होता है कि वो कौन सा नंबर है जिसमें आधे स्टूडेंट्स को उससे ऊपर नंबर मिले और आधे स्टूडेंट्स को उससे नीचे नंबर मिले। यहाँ हम इसको चेंज करेंगे, हमने पहले बोला हम या तो यहाँ क्लिक करके चेंज कर सकते हैं या यहाँ हम लिख सकते हैं। मैं आपको लिखना सिखाता हूँ। तो हम लिखना चाहते हैं B2 के लिए यह निशान काम में लाया जाता है B11 और उसको ओके क्लिक करेंगे, तो मीडियन का जवाब आया कि जो है 7.5 से आधे बच्चों को, आधे स्टूडेंट्स को 7.5 से ऊपर नंबर मिले और आधों को 7.5 से नीचे नंबर मिले। ये बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए आप इनको आसानी से समझ लें, बहुत इजी फार्मूला है। तो हमने क्या सीखा अभी, हमने सीखा कि जो डिफरेंट फार्मूला हैं उनको कैसे अप्रोच करना और उनको कैसे यूज़ करना। अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ सिखाता हूँ कि जैसे ये तो 7.5 है, अभी हम और डिटेल में देखना चाहें कि इसके आगे 7.55 था, 7.54 था, 7.56 था, तो ये जो आइकॉन है इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो डेसिमल के बाद जो नंबर हैं वे बढ़ जाएंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया तो 7.50 आया, इसका मतलब कि, और क्लिक किया तो 00 आया, तो इसका मतलब कि इसमें 7.5 ही सही है, पर यह फंक्शन दिखाने के लिए कि यह कैसे काम में आता है। अगर हम इस उसको क्लिक करें तो यह डेसिमल के बाद नंबर कम हो जाएंगे। अब यह देखते हैं कि हमें
इन सब का टोटल नहीं चाहिए, सिर्फ एम, मैरी और सू को कितने नंबर मिले उसका टोटल चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ क्लिक किया और उसके बाद एन के कितने नंबर मिले उसको क्लिक किया, फिर कॉमा एक बार दबाया, फिर मैरी के कितने नंबर थे वे क्लिक किया, फिर कॉमा दबाया, फिर सू के कितने नंबर थे वे क्लिक किया। और अब कॉमा दबाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जितने लोगों के नंबर पता करने थे वे हमने इंक्लूड कर लिए हैं। उसके बाद हम एंटर या रिटर्न दबाएंगे तो हमें पता पड़ गया कि इन तीन जनों के 24 नंबर थे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एन मैरी, या हम यहाँ लिख सकते हैं पार्शियल टोटल। और आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा यह टोटल B2, B7 और B10 का है। तो B2, B7 और B10 का है। तो इस तरह से अगर पूरा कॉलम टोटल नहीं करना हो तो इस तरह से यह पार्शियल टोटल किया जा सकता है। एक और जो फंक्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वह है कि जैसे कोई बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, गुणा करना है, एक नंबर है उसको हमें दूसरे नंबर से गुणा करना है, तो हमको 2356 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे और उसका जवाब हमें यहाँ लिखना है, तो हम यहाँ इसको क्लिक करेंगे, या तो क्लिक करेंगे मोर फंक्शंस या यहाँ जाके क्लिक करेंगे फॉर्मूलाज। और गुणा करने को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई भी बोलते हैं पर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो हम प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो यहाँ आया कि यह प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। इसको हम क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आया कि जो है प्रोडक्ट E8 और E9 का गुणा करेगा, जहाँ की 2356 और 26 लिखा हुआ है, क्योंकि ये नंबर हम इन्हीं को मल्टीप्लाई गुणा करना चाहते हैं। हम क्लिक करेंगे ओके और आपको यह नंबर लिखा हुआ आएगा। अभी इस नंबर को आप आसानी से पढ़ना चाहें तो आप एक कॉमा लगा सकते हैं, तो आप कॉमा लगाएंगे तो यह नंबर इस तरह से दिखेगा। अगर कॉमा के बाद ज़्यादा नंबर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और डेसिमल के बाद आप कम नंबर देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो कॉमा की यह इम्पोर्टेंस हुई कि उससे हम जो नंबर है उसको आसानी से देख सकते हैं, और ये डेसिमल पॉइंट जो होते हैं इनको हमने यूज़ करने का देखा कि इसको दबाने से डेसिमल के बाद एक के बदले डेसिमल के बाद दो नंबर दिखने लगते हैं, और जितनी बार दबाओगे उतने और नंबर दिखने लगेंगे, और इसको क्लिक करने से जितनी बार क्लिक करोगे उतने डेसिमल के बाद नंबर कम होते जाएंगे।